बदमाशों को लेकर के गिरफ्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत का खुलासा हुआ है। सिर में पॉलिथीन पहनाकर दम घोटने के बाद की गई हत्या। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रेम किशोर उनकी पत्नी और बच्चे को रस्सी से बांधा गया। रस्सी से बांधकर चापड़ से किए गए थे सिर पर कई बार। किसी करीबी रिश्तेदार के पहले से घर में मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। करोड़ों की संपत्ति को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां फजलगंज में तिहरे हत्याकांड को तीन बदमाशों ने अंजाम दिया है। संदिग्ध बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज लेकर टीमें तलाश कर रही है, लगातार पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद अब खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिर में पॉलिथीन पहनाकर दम घोटने के घोटा गया, जिसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं खबरें ये भी सामने आ रही है कि रस्सी से बांधकर चापड़ से भी वार किए थे। किसी करीबी रिश्तेदार के पहले से घर में होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फजलगंज में तिहरे हत्याकांड में फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस टीम फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और हत्यारे को पकड़ने की तलाश शुरू कर दी है, कार्यवाही शुरू कर दी है पुलिस ने। फिलहाल पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि तीनों को पॉलिथीन से गला घोट करके मारा गया है। वहीं किसी करीबी रिश्तेदार होने की, घर के अंदर पहले से मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हत्या के पीछे करोड़ों रुपए के संपत्ति के वजह से ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है हत्यारों द्वारा। और इस वक्त मुंगेली से